फाइनेंस मिनिस्टर की 1 घंटे 32 मिनट की बजट स्पीच की हाइलाइट्स यहाँ। सबसे पहले क्या क्या सस्ता हुआ है? मोबाइल फोन्स, चार्जर्स, फुटवेयर एंड सी फूड। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को कम करके 6% पर ला दिया गया है। नाउ क्या क्या महंगा हुआ है? स्पेसिफाइड टेलीकॉम इक्विपमेंट, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, अमोनियम नाइट्रेट, दैट मींस फर्टिलाइजर्स विल गेट एक्सपेंसिव। 3 कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग्स पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स था, अब 20% हो गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स था, अब बढ़कर 12.5% हो गया है। इनकम्स एनपीएस वत्सल्या। पेरेंट्स कैन इन्वेस्ट इन नेम ऑफ माइनर इन एनपीएस, दैट इज नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट। आफ्टर द टर्न 18 इट विल बी चेंज टू नॉर्मल एनपीएस अकाउंट। दिस टू एनकरेज अर्ली सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट फॉर चिल्ड्रन। एंजल टैक्स इज अबॉलिश फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। एंजल टैक्स अनलिस्टेड कंपनीज की उस कैपिटल पर लगाया जाता है जो शेयर से रेज किया जाता है। इट्स गॉन नाउ। इन द एंड फॉर प्रमोटिंग वुमेन लेड डेवलपमेंट, द बजट कैरीज एन एलोकेशन ऑफ ओवर 3 लाख करोड़ रुपीज फॉर स्कीम्स बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल्स। नाउ नए टैक्स रिजीम में आया है बदलाव। पहले स्लैब थी 0 to 3 lakh, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15 एंड देन 15+। लेकिन अब ये स्लैब्स हैं 0 to 3 lakh, 3 to 7, 7 to 10, then 10 to 12, 12 to 15 एंड 15+। Now how will this benefit you? Let's understand this with an example. Let's say आपकी सैलरी है 20 लाख रुपए। अब न्यू टैक्स रिजीम के तहत पिछले साल आपको मिलता था 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन, अब वो है 75,000 रुपए का। आपका टैक्स अमाउंट बनता था 2,85,000 रुपए और इस बार वो बनेगा 2,82,500 रुपए। सो यू सेव 2,500 रुपीज। गवर्नमेंट सेज सैलरीड एम्प्लॉय इन न्यू टैक्स रिजीम विल सेव अप टू 17,500 रुपीज। डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 15 to 25,000। नाउ समथिंग फॉर द यंगस्टर्स, 1 crore यूथ टू बी प्रोवाइडेड internship opportunities in 500 companies, 1 month wage support to all those entering formal job for the first time, direct benefit transfer of 1 month salary will be up to 15,000 rupees in 3 installments to first time employees.